ये देखिए कितने अच्छे भटूरे बने हैं, एकदम सॉफ्ट भटूरे हैं, बिल्कुल भी चीचड़ जैसे भटूरे नहीं हैं, और जाली वाले भटूरे हैं। बहुत ही आसान तरीके से ये भटूरे बनाए गए हैं। और तो चलिए बनाना शुरू करते हैं भटूरे। भटूरे को बनाने के लिए मैदा को माड़ेंगे। ये मैंने 2 कप मैदा लिया है, इस तरीके से गड्ढा कर लेंगे। अब इसमें नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार, 1/2 टीस्पून से भी थोड़ी सी कम चीनी डालेंगे, और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है, और चुटकी भर खाने वाला सोडा डाला है। अब इसमें 1/3 कप के करीब दही डालेंगे। दही को थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे दही को। और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके जो मैदा है उसको थोड़ा सॉफ्ट ही गूंथेंगे, जैसे पराठे का आटा होता है ना, सेम तरीके से दही चीनी वगैरह को मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, और इस तरीके से मैदा को गूंथ लेंगे, जैसे पराठे का आटा होता है उतना ही सॉफ्ट मैदा को मारना है, जिससे कि जो भटूरे हैं वो एकदम सॉफ्ट बने। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट मैदा को मारा है। थोड़ा सा घी लेंगे और अच्छी तरीके से 1 से 2 मिनट तक मलेंगे, जिससे कि मैदा थोड़ी चिकनी हो जाती है। अब मैदा को रखेंगे एक डिब्बे के अंदर, जिससे कि जो थोड़ा सा खमीर उठ सके। और ये देखिए मैंने पहले से भी मैदा मार के रखी हुई है, क्योंकि मुझे भटूरे बनाने थे। ये देखिए एकदम चिकनी हो रखी है मैदा, ये 4 घंटे हो गए हैं मैदा को रखे हुए, और मैं जो बंद माइक्रोवेव होता है उसमें रख देती हूँ, कहीं से भी हवा नहीं लगती। बहुत आसान तरीका है। तो मैं इस तरीके से स्टील के टिफिन में मैदा को रख करके और टिफिन को बंद करके माइक्रोवेव में रख देती हूँ। जैसे मैं इडली वगैरह का घोल है, पिज्जा का डो है, सबको मैं माइक्रोवेव में रख देती हूँ बंद में, जिसमें कि हवा नहीं पहुँचती। अब मैदा को इस तरीके से पहले लोई बना करके रख लेंगे भटूरों के लिए, तो पहले जिससे कि भटूरे एकदम फूले फूले बने। तो पहले लोई को बना करके रख दें, और करीब 5 मिनट तक लोई को रखे रहने दें। अब सूखी मैदा में लोई को इस तरीके से टिप करेंगे, मतलब लपेट लेंगे, और फिर भटूरे को बेलेंगे। बहुत आसानी से बेल जाता है, ऐसा नहीं कि वो रबड़ की तरह से खिंच करके फिर से छोटा हो जाए। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से आप भटूरा बेल सकते हैं। अगर आपको लगे कि ज़्यादा मैदा सॉफ्ट है, आप नहीं बेल पा रहे हैं, तो थोड़ी सी मैदा को टाइट मार लें, मतलब थोड़ा सा पूड़ी की तरीके से मैदा को मार लें, थोड़ा कम पानी डाल करके। और एकदम गर्म तेल में जो भटूरा है उसको तलेंगे, और जब बेलने के बाद 2-3 बार इस तरीके से हाथ पर थपथपा लें, और ऑयल एकदम गर्म हो जाना चाहिए। इस तरीके से आप डाल करके देख लें, जब ऑयल गर्म हो जाए एकदम तभी भटूरा डालें, नहीं तो भटूरा फूलेगा नहीं, पिचक जाएगा। फिर आप कहेंगे कि ये तो भटूरा पिचक गया, फूले फूले भटूरे तो बने नहीं। ये देखिए कितना मस्त भटूरा फूला है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ना देखने में, और खाने में भी बहुत टेस्टी बना है। ना ही तो चीचड़ सा है कि खिंच रहा हो, रखने के बाद भी अगर आप थोड़ा ठंडा हो जाता है तभी भी एकदम सॉफ्ट रहता है भटूरा। तो आप बना करके जरूर देखें। आपको मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, जिससे कि मेरा चैनल फिर से ऊंचाइयों पर पहुंच सके। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। काबली चने छोले कुलचे के संग बनाते हैं, या काबली चने छोले भटूरे के संग बनाते हैं। कुकर में पानी डालेंगे, और काबली चने को रात भर के लिए भिगो दिया था, 4 से 5 घंटे के लिए ज़रूर से भिगोएं। और इस तरीके से काबली चने को डाल दिया है, पानी डाल दिया है। अब काबली चने जो पानी है उसमें उबाल आ जाना चाहिए। अब जो झाग है उसको निकाल देंगे, और बहुत सारे लोग काबली चनों को जो है काला करने के लिए चाय पत्ती भी डालते हैं, तो आप चाहें तो चाय पत्ती डाल सकते हैं। इस तरीके से टी बैग्स आता है, नमक डाल देंगे टेस्ट के अनुसार, और आप चाहें तो सूखा हुआ जो आंवला होता है और लौंग काली मिर्च डाल सकते हैं, वो डाल करके उबाल लेंगे। और छोलों में उबाल आ गया है और छोले उबल चुके हैं। छोले के जब प्रेशर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद कुकर को खोलेंगे। कुकर खोलने के बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से छोले उबल गए हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। अब छौंक लगाएंगे, घी डालेंगे, ऑयल डालेंगे, 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। मसाले आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। जीरा जब चटक जाएगा इसमें डालेंगे हींग, और ये मैंने आधा टमाटर डाला है महीन कटा हुआ। हरी मिर्च डाली है, और इस तरीके से भून लेंगे। और ये फ्रोजन टमाटर जो प्यूरी बना करके रखती हूँ मैं, जब सस्ते होते हैं टमाटर, तो उस टमाटर की प्यूरी को डाले करीब 1/2 कप। आपके पास अगर टमाटर की प्यूरी नहीं तो आप टमाटर डाल सकते हैं, हल्दी पाउडर डालेंगे और मिर्च डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, और अच्छी तरीके से भून लेंगे। और मैंने ये लोहे की कढ़ाई में बनाई है, अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें काला नमक डालेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून छोले मसाला, अगर आपके पास हो तो डाल दें, नहीं तो किचन किंग मसाला डाल दें, नहीं तो थोड़ा सा
गरम मसाला और बढ़ा दें, थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये उबले हुए आलू हैं, जो बाजार में आलू आते हैं मसाले वाले, वो आलू हैं। इस तरीके से आलूओं को मसाले में भून लेंगे और मसाले में भूनने के बाद आलूओं को एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब इसके बाद इसमें डालेंगे छोले, जो उबले हुए छोले हैं, ये देखिए इस तरीके से मिक्स कर देंगे। और छोलों को कलछी की सहायता से हल्का सा दबाएंगे, जिससे कि छोले और पानी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं और ग्रेवी जो है गाढ़ी हो जाए। इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी छोले बनते हैं, आप एक बार ज़रूर बना करके देखें। और लोहे की कढ़ाई में बन रहे हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो उसी में बनाएं। अब इसमें थोड़ा सा पानी और मिला देंगे, जिससे कि छोले 10 से 15 मिनट तक उबल सकें। 10 से 15 मिनट हो गए हैं उबलते हुए। अब इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। छोले तैयार हैं। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और डाल देंगे और आलू भी तैयार हैं। आप देख सकते हैं आलूओं के ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ और ये देखिए छोले बहुत ही टेस्टी तैयार हुए हैं। अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और छोले सर्व करने के लिए तैयार हो गए छोले और आलू। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और बहुत ही टेस्टी भटूरे छोले बनकर के तैयार हुए हैं। तो ऐसी नई वीडियो देखने के लिए देखते रहिए सौम्याज किचन। बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ये देखिए मस्त लग रहा है ना भटूरा।